हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका कैप्टन अमरीश कुमार अदाना, एथलेटिक कोच। आज का विषय है इंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ इंडोरेंस। जैसे कि आपने पूछा था कि इंडोरेंस आवश्यक है या नहीं, तो मैं मेरे प्रिय एथलीटों आपसे बताना चाहूंगा, जिस तरह दो पहलवान आपस में लड़ते हैं और एक पहलवान ताकत के जोर पर हरा देता है, उसी तरह हमें स्ट्रेंथ इंडोरेंस और स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। अगर मसल में स्ट्रेंथ है तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, मसल में स्ट्रेंथ है आपकी इंजरी नहीं होगी, मसल में स्ट्रेंथ है तो आप अच्छा स्पीड वर्क करेंगे। और इसके करने के जो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे लाइक कोर एक्सरसाइज है, ऑन बॉडी एक्सरसाइज है, जिम एक्सरसाइज है और हिल के द्वारा बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा आप ये अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं जो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है, जो ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइज है हमारी, ये वो स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा नज़र सामने, बैक थोड़ा ऊपर, यस, ये आपकी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है। आपकी स्ट्रेंथ शानदार स्ट्रेंथ बनती है आपकी हाथ जब आप फिनिशिंग में जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ के लिए। ये थाई की स्ट्रेंथ बहुत अच्छे कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको एक लेग की 10-10 कर सकते हैं, जो नया बच्चा है वो 5-5 कर सकता है। और इससे आपके स्ट्रेंथ थाई की जो स्ट्रेंथ बहुत शानदार आपको मिलेगी, जो आपकी रनिंग में आपका फायदा, स्पीड में आपका बेनिफिट होगा। गुड, ये स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी है। आराम से उतरें और जंप के साथ छड़ें, थोड़ा सा और बैठो, थोड़ा एक्शन में आओ, थोड़ा एक्शन दिखाओ ऊपर, यस, इस एक्शन में उठो और फिर जाओ। ये आपकी स्ट्रेंथ की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। अगर स्ट्रेंथ है तो स्पीड ऑटोमेटिक आप में आ जाएगी। ऑल बॉडी एक्सरसाइज आपकी, इसकी पेट की स्ट्रेंथ भी है, थाई की स्ट्रेंथ भी है, ऑल स्ट्रेंथ आपको इससे मिलेगी। गुड, ये आपकी दोनों साइड से हैं, दोनों साइड अल्टरनेटिव चेंज करके और फिर एक्सरसाइज करना है आपको। तो ऑल बॉडी एक्सरसाइज स्ट्रेंथ की बहुत ही अच्छी है आपके लिए। गुड, कंटिन्यू दोनों पैर अल्टरनेटिव, थोड़े एनी एक्शन में बॉडी का स्ट्रेंथ आना चाहिए, लोड दोनों पे। और गुड, आपकी थाई मसल, कोक मसल, ऑल बॉडी की स्ट्रेंथ, वेरी गुड, स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों आपकी इससे इम्प्रूव होंगी। सारी एक्सरसाइज करने के बाद में ये आपका हनुमान जंप भी बोल सकते हैं इसको। और हफ्ते में 2 बार आप करें एक्सरसाइज तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ होगी तो स्पीड भी आएगी और इससे बॉडी रिलैक्स होगी। अब इसके बाद आप 15 मिनट जॉगिंग कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती हैं तो ये थोड़ा नॉर्मल इजी, जिसको रिकवरी रन भी कहते हैं, जॉगिंग भी कहते हैं, कूलिंग डाउन भी कहते हैं। तो आशा करता हूं आपकी ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका कैप्टन अमरीश कुमार अदाना। हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद फिर मैं और अच्छी वीडियो लेके आपके लिए आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।